एडिशनल सेक्रेटरी बशीर अहमद कुराया ने साहिवाल का दौरा किया और सीईओ एजुकेशन के ऑफिस में डीईओ एजुकेशन शाजिया इकबाल, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर अजीजुल हक कुराया, जनरल सेक्रेटरी मियां सनाउल्ला, नायब सदर मलक इनाम रसूल, असिस्टेंट डायरेक्टर राना फकीर हुसैन, फील्ड ऑफिसर राना जुबेर निसार, फयाज रुबानी, राना सहेल समेत दीगर अफराद से मीटिंग की। इस मौके पर मीटिंग के दौरान इनका कहना था कि इसमें फर्नीचर का इंतजार नहीं है कि बच्चा फर्नीचर होगा तो पढ़ेगा। देखिए, लर्निंग तो किसी वक्त भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और नई फर्नीचर तो लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं, रोड की कंस्ट्रक्शन कुछ अरसे के लिए बंद हो जाए तो शायद वो लॉस नहीं है। घरों की कंस्ट्रक्शन है, कोई वजह बनी है, कोविड की वजह से आपने देखा काम बंद हो गए बहुत सारे, ये सर इतना बड़ा लॉस नहीं है। आप एजुकेशनिस्ट हैं, बेहतर समझते हैं सर, लर्निंग लॉस इररिपेरेबल लॉस होता है, इसको हर हाल में जारी रहना चाहिए। ऐसे बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं और किसी वजह से स्कूल में नहीं आ सकते, और इनके लिए हुकूमत ने प्रोग्राम शुरू किया कि जिसके तहत इन बच्चों को भी तलीमी सहूलियात फराहम की जाएंगी, जो किसी मजबूरी की वजह से अपनी तलीम जारी नहीं रख सके। इस सिलसिले में प्राइवेट स्कूल से वो ये चाहते हैं कि वो एक टीचर और एक क्लासरूम फराहम करे ताकि इन बच्चों की तलीम जारी रह सके, जिस पर प्राइवेट स्कूल ने इन्हें भरपूर तावन का यकीन दिलाया और कहा कि इस मकसद में वो गवर्नमेंट के साथ हैं, क्योंकि इनका और हुकूमत का एक ही मकसद है कि पढ़ा लिखा माशरा और लिटरेसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी हमारे अपने हैं और इनकी फलाह बहबूद भी हमारी जिम्मेदारी। कैमरामैन जरशैली के साथ मुबशर रहमान, ऑनलाइन न्यूज़ साहिवाल।